Hi Vitamari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो मैंने आपके लिए एक 40 डेज का पूरा प्लान या स्ट्रैटेजी कह लो वो वीडियो बनाया था, जिसमें आपने मुझे बोला था कि हाँ आपको एक डे वाइज वीडियो भी चाहिए जिसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आपका सिलेबस जो है वो डे वाइज एलोकेटेड हो. तो मैं आपके लिए वो डे वाइज वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से दिन पे आपको इंग्लिश का कौन कौन सा चैप्टर करना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक करना चाहिए और वोकैबुलरी और ग्रामर को इक्वल वेटेज यहाँ पर इससे मिल जाएगा. तो ध्यान से सुनना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि इससे आपको आइडिया लग जाए कि अगर आप ये कंप्लीट करना चाहते हो इतना पहाड़ सा सिलेबस तो वो कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं एंड में वो भी बताने वाली हूँ. ओके, देखो यार, सबसे पहले तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही मुंह मीठा कीजिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो डे वन पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालिए, ठीक है. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल है उससे एक लेवल ऊपर, या मैं कह सकती हूँ आपकी क्लास 12th के अंदर जो रिसेंट पूछे गए क्वेश्चंस थे उनमें एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप उठा लीजिए एंड आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे. जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, कहाँ मिलेंगे भी बताती हूँ, ठीक है. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए. अब जो आपके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, याद रखना जब तक हमारा सिलेबस चलेगा रोज एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चलेगा. अभी अगर अपने कॉपी में चार्ट बना रहे हो इसका तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ में एक आरसी प्लस करते जाओ. कम से कम एक क्वेश्चन तो डेली बेसिस पे करना ही करना है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आदत नहीं छूटनी चाहिए, नहीं तो वही होगा जो क्लास 12th के अंदर हुआ अभी बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है. तो याद रखेंगे पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके निपटा दिया पहले दिन में, फिर रोज हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करते जाएंगे. फिर आएगा डे टू पे हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. इसके अंदर से बहुत सारा आपको बहुत वेटेज का ये मिल जाएगा और बहुत डिफिकल्ट भी होता है जिन बच्चों की वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती. अब सिनोनिम एंटोनिम्स में आपको जो बहुत ही कॉमनली पूछे गए सिनोनिम एंटोनिम्स है वो कर लेने हैं कंप्लीट और उसके बाद में आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेने हैं. फिर आ जाएंगे हम नाउन पे, क्यों? क्योंकि हम एक बैलेंस बनाना चाहते हैं. हम ये नहीं चाहते कि हम पूरा फोकस वोकैबुलरी पे कर दें और ग्रामर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करें, या फिर हम ग्रामर पे नेसेसरी फोकस कर लें और वोकैबुलरी छूट जाए. तो दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चे सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी को तवज्जो दे रहे थे, बाद में क्या हुआ ग्रामर से क्वेश्चन पूछ लिए गए और वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. इसीलिए हम दोनों में बैलेंस करके चलेंगे. डे फोर पे करेंगे फ्रेजल वर्ब्स, वोकैबुलरी आ गया. सारे डेज पे हमें एक क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लगाना है, याद रखना. फिर आ जाएगा आपका प्रोनाउंस, फिर करेंगे idioms, phrases and proverbs. डे सेवन पे वर्ब्स उठा लीजिए, डे एट पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. याद रखोगे कि यहाँ पे आपके ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर ग्रामर का जो बेसिक चीज है आपको वो पता होना चाहिए और साथ में करते रहो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अगर सबको एकदम डिटेल में करने लगोगे तो उतना आपके पास टाइम नहीं है. आपने बेसिक भाई वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं और जो मोस्ट कॉमन रूल्स है बस वो याद रख लिए एंड देन उसके बाद में आ गए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मोस्ट कॉमनली आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो कर लिए और उसके साइड में आ गए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. फिर डे नाइन पे आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर लीजिए. फिगर्स ऑफ स्पीच आ गया, एडजेक्टिव्स आ गया, फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आ गया, एडवर्ब्स आ गए, पैरानिम्स एंड होमिनम्स आ गए, प्रेपोजिशंस अगेन जैसे मैंने आपको बताया तो ग्रामर का टॉपिक वैसे ही करना है, कॉन्ट्रैक्शंस कर लिया. कॉन्ट्रैक्शंस के बाद कंजंक्शंस करेंगे, फिर कोलोकेशंस करेंगे. अब यार कॉन्ट्रैक्शन और कोलोकेशन जैसे टॉपिक पे आपको पांच पांच क्वेश्चन नहीं मिलेंगे. हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है कि कोलोकेशन का एक क्वेश्चन मिल जाए, इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा. पर कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए और इसके क्वेश्चन आपने लगा लिए. ज्यादा क्वेश्चन भी लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कर लो कि बस एक घंटे का प्रैक्टिस सेशन लगा दिया, उससे आपका काम चल जाएगा. क्योंकि इनमें से आने वाले क्वेश्चन तो इक्के दुक्के हैं, बट आपको थोड़ा यहाँ पे सतर्क इसलिए रहना पड़ेगा कि यार अगर बाई चांस आपको जो 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं ये 40 की टैली पूरी नहीं हो रही है क्योंकि एक क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्शन का आ गया या एक क्वेश्चन कोलोकेशन का आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए ये करना है. फिर आ गया इंटरजेक्शन, स्पेलिंग टेस्ट. स्पेलिंग टेस्ट पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, फिर आ गया आपका वर्बल एनालॉजी, अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. मॉडल्स कर लिया, क्लोज टेस्ट. अब क्लोज टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है तो अगेन एक घंटे का प्रैक्टिस सेशन लगाया, काम हो गया. टेंसेस वॉइस और नरेशन, ये जो है ये बहुत बड़े शॉकर थे पिछले साल, बहुत बड़े शॉकर थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन्हें प्रिपेयर नहीं करके गए थे. मेरे को याद है कि मैं बैच में बैठी हुई थी और मैं बच्चों को ये कह रही थी कि यार मेरा मन कह रहा है कि इस बार ना नरेशन से क्वेश्चन आएंगे, तो ना मुझे पता है कि
बिजी हो, इतना सब आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे एक बार में, पर प्लीज यार मेरे लिए नरेशन कर लो। और आपको आपको यकीन नहीं होगा, पिछले साल के पेपर में नरेशन से क्वेश्चंस आए थे, वॉइस से क्वेश्चंस बने थे। इसीलिए ध्यान रखो कि आपको ओवरऑल इंग्लिश पढ़कर जाना है, एंट्रेंस टेस्ट है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका पंचुएशन, क्वेश्चन टैग्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस डे 30 पे, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका डे 32 पे। डे 33 पे पैरा जंबल और सेंटेंस जंबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PQRS कहते हैं हम इनको, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एरर स्पॉटिंग पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एरर स्पॉटिंग कर लिया। एंड फाइनली आ गया आपका राइटिंग स्किल। अब आपको डेली एक नोटिस, आर्टिकल या रिपोर्ट नहीं लिख के देखनी है, पेपर पैटर्न MCQ का है, तो आपने बस बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, भाई नोटिस क्यों लिखा जाता है, ठीक है, रिपोर्ट क्यों लिखा जाता है, रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट है, लेटर टू द एडिटर का क्या फॉर्मेट है, अगर मेरे को कंप्लेन रजिस्टर करनी है तो मैं कौन सा लेटर लिखूंगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डे 35 पे कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद में आपने यहाँ पर 5 मॉक टेस्ट के लिए भी डेज रख लिए, क्योंकि ये 40 डेज का चैलेंज है, तो 35 डेज के अंदर आपका सिलेबस एकदम पूरा 100% पूरा हो जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका मॉक टेस्ट। 5 दिन रोज एक मॉक टेस्ट लगाओ, आपको वैसे भी 45 मिनट ही देने हैं इसको, तो रोज का एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और इसके साथ में आपके 45 डेज का ये कंप्लीट हो गया। अब डेली बेसिस पे मैम मुझे कितना टाइम दे रहे हैं, देखो यार मैं मान के चलती हूँ कि लगभग 10 मिनट तो आपको लगेंगे RC के लिए, तो आप 10 मिनट निकाल लीजिए RC के लिए, और बाकी का 1 से 1.5 घंटा आपको कॉन्सेप्ट करने के लिए लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस सेशन भी पुल कर रहे हैं तो आधा घंटा उसका मान लीजिए। डेली बेसिस पे इंग्लिश लैंग्वेज को अब आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस डिफरेंट है, वो नहीं है जो 12th में पढ़ा है, पुराना है, जो हम शायद 10th तक पढ़ते आ रहे थे और एकदम ऐसे ही रट के चल जाते थे, या ऐसे सोचते थे जो यहाँ पर फिट होगा वो कर देंगे और वो यहाँ चलेगा नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आता है, काउंट होता है हर आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, और 800 की टैली में इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो काउंट होता है, इसीलिए इसको 2 घंटे तो आपको हर दिन अब देने ही पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट के दिनों में 45 मिनट दे सकते हो, बात खत्म। ओके, ठीक है, सो दैट्स इट, ये रहा आपका डे वाइज प्लान 40 डेज में कैसे आप इंग्लिश को क्रैक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने डे वाइज प्लान नोट कर लिया, टेलीग्राम का हिस्सा बन जाइए हर तरीके की नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए, और अगर आपको चाहिए कि नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हाथ में फिजिकल फॉर्म में हो, तो इंग्लिश मेड इजी मेरी CUET बुक को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बहुत ही क्रूशियल है। मैं अब आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रेन बाय बाय, टेक केयर।